पटना के ट्रैफिक को नई दिशा और दशा देने वाला एक और प्रोजेक्ट। जी हम खड़े हैं, ये अटल पथ का फेज टू है जिसका काम देखिए निरंतर चल रहा है और ये अपने अंतिम चरण में है। अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो अगले महीने इस कॉरिडोर पर आपकी गाड़ी दौड़ेगी। हम जहाँ खड़े हैं यहीं पर आकर के अटल पथ का फेज वन रुक गया था। अब इधर में देखिए ये साइड वॉल बना हुआ है दोनों ही तरफ, दोनों तरफ दो दो लेन की सड़क है और उसका काम इस फ्लाईओवर पर यहाँ पर आकर के रुक गया था। यहाँ से आगे अप्रोच रोड को बनना था जिसके लिए FCI की जमीन चाहिए थी, जिसके लिए कैबिनेट से मंजूरी मिली, फिर जाकर के बिहार सरकार को FCI का जो जमीन है वो मिल गया। उसके बाद इसके इस क्षेत्र में जो अलाइनमेंट था उसको तोड़ करके हटाया गया और फिर शुरू हुआ अटल पथ के फेज टू के निर्माण का कार्य, जिसका निरंतर एक एक वीडियो आपने हमारे चैनल पर देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोज को आप सर्च कर करके देख सकते हैं। अभी जहाँ हम खड़े हैं ये देखिए सामने कैसे JCB और क्रेन के मदद से बेड बनाया जा रहा है, दोनों तरफ साइड वॉल बन गया है, साइड वॉल के बीच में मिट्टी फिलिंग का काम हो रहा है और ये फिल करते करते इस लेवल पर जहाँ हम खड़े हैं इस लेवल तक इसको लाना है। इस लेवल के समानांतर आकर के ये फिर धीरे धीरे नीचे उतरेगा स्लोप और फिर जा करके ये गंगा पाथवे में मिल जाएगा जिसको मरीन ड्राइव कहते हैं। इसको बनने के बाद लाभ क्या होगा, खासकर आप उत्तर बिहार से जब आते हैं तो आप सीधा JP सेतु से उतरने के बाद JP सेतु के ठीक पूरब तरफ में एक और इंटरचेंज बनेगा दीघा रोटरी के बाद, उस इंटरचेंज पर आप चेंज करके सीधा इस आर ब्लॉक दीघा कॉरिडोर पर आएंगे और सीधा यहां से आर ब्लॉक तक की यात्रा हो जाएगी या फिर सीधा आप जो है बेली रोड पर पहुंच जाएंगे। समझिए आने वाले समय में दो दो परियोजना एक साथ पूरी होंगी, एक तो अटल पथ का ये फेज टू और दूसरा पटना का मरीन ड्राइव, दोनों का ही काम बड़ी तेजी से चल रहा है और अगले एक से डेढ़ महीने के अंदर ये दोनों ही प्रोजेक्ट का आपको सौगात मिलेगा और इन दोनों को पूरा होने के बाद खासकर उत्तर बिहार जाना आना बड़ा आसान होगा पटना के वासियों को। दीघा जहाँ लोग रहना नहीं चाहते थे, दीघा से जहाँ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं थी और आज दीघा से फर्राटे भरते हुए 5 से 7 मिनट में गाड़ी आर ब्लॉक तक पहुँच जाती है। समझ लीजिए सड़कें कैसे बदलाव लाती है ये आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अटल पथ के फेज टू का काम कैसे आगे बढ़ रहा है, यह जो है अप्रोच रोड सीधा आगे से राइट की तरफ टर्न लेते हुए सीधे JP गंगा पथ में या कहिए पटना मरीन ड्राइव में मिलेगा और इसके कॉरिडोर का काम लगातार आगे बढ़ रहा है। हाल ही में एक कार्यक्रम में बिहार के पथ निर्माण मंत्री कह रहे थे कि अगर ये दोनों ही परियोजना पूरा हुआ तो बिहार के विकास की या कहिए तो बिहार में सड़क परिवहन के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। आपको तो हमने बताया ही है कि कैसे दीघा से लेकर के दीदारगंज तक पटना मरीन ड्राइव का काम चल रहा है और अब इसका डिमांड बक्सर से लेकर के भागलपुर तक होने लगा है। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से पटना में मरीन ड्राइव बन रहा है उस मरीन ड्राइव को बक्सर से लेकर के भागलपुर तक बनाया जाए ताकि इस किनारे किनारे लोगों को चलने में सहूलियत होगी। इस कॉरिडोर पर या इस अलाइनमेंट पर कई परियोजनाएं चल रही हैं। अभी बक्सर से लेकर के भागलपुर तक एक एक्सप्रेसवे की सौगात भी आपको मिलने जा रही है जिसके लिए मंजूरी मिलने वाला है। वहीं आपको हम बताते चलें कि ये जो कॉरिडोर है जिसका काम अंतिम चरण में है हम पहुंचे हैं। आपको हमने बताया था कि अब हम एक एक सप्ताह पर इसका वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, इसी क्रम में इस बार देरी हुई है लेकिन हम फिर भी हम आए हैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के। प्रोग्रेस आप देख लीजिए, वहाँ जो साइड वॉल खड़ा है वो अंतिम स्टेज में आखिरी जो ऊंचाई है वहाँ तक पहुँच गया है और यहाँ हमको लगता है कि दो और सेटरिंग लगेगा तो इस लेवल पर ही आ जाएगा। तो समझिए किस रफ्तार में काम हो रहा है, कह सकते हैं कि आने वाले एक से डेढ़ महीने के अंदर आपकी गाड़ी अटल पथ के फेज टू पर भी दौड़ेगी। वैसे लोग जो हमारी वीडियो को पसंद करते हैं उन सबों से रिक्वेस्ट है हमारा कि आप कमेंट जरूर कीजिए, आपको अगला क्या डिमांड है आपका, आप क्या देखना चाहते हैं या आपके आसपास में क्या हो रहा है उसको आप देखना चाहते हैं हमारे जरिए तो उसको ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो में क्या अच्छा बुरा लगता है आपको वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी हम चलेंगे आपको इस कॉरिडोर का आखिरी स्टेज उस तरफ का छोर भी दिखाएंगे। तो देखिए किस तरह से JCB और अलग अलग तरह के गाड़ियों का मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है और आपने देखा है कि किस तरह से इस रफ्तार में इस काम को किया जा रहा है और जिस गति में काम हो रहा है इस गति में अगर बिहार के हर प्रोजेक्ट पर काम हो तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ सारे प्रोजेक्ट तय समय से पहले पूरा होगा। जैसे जैसे इसका काम आगे बढ़ रहा है उसका हर वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और जैसे जैसे इसका काम आगे बढ़ेगा हर सप्ताह हम इसका अपडेट अब से जब तक इस रोड का उद्घाटन नहीं हो जाता तब तक आपको दिखाते रहेंगे। पटना में अटल पथ फेज टू का काम फाइनल स्टेज में यही समझ लीजिए। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह का और वीडियोज को YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। Instagram और Twitter पर भी हम मिलते हैं, आप चाहे तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।